नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक त्योहारों का देश है और भारत में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है गणेश चतुर्थी का, जिसको लोग बड़े प्यार और उत्साह से मनाते हैं। दोस्तों, आपके शहर और एरिया में बड़े या छोटे गणपति पंडालों को बनाया जाता है और इसमें बड़ी और छोटी गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गणपति बप्पा की मूर्ति को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्स फैक्ट्री के आज के वीडियो में देखते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति को बनाने की मजेदार प्रोसेस को। मूर्ति बनाने की प्रोसेस शुरू होती है इसके रॉ मटेरियल से। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी और पानी को एक निश्चित मात्रा में मिक्स किया जाता है। जब ये मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है, तब इसको रबर के मोल्ड में डाला जाता है। इस रबर के मोल्ड अलग अलग मूर्ति की साइज और शेप के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मोल्ड में एक बार पीओपी के घोल को डाल के फिर से उसको बाहर निकाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता होगा, है ना? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मूर्ति को लेयर में बनाया जाता है, जिससे मूर्ति स्ट्रॉन्ग बनती है। इस प्रोसेस को 2 घंटे में 4 से 5 बार दोहराया जाता है। उसके बाद मूर्ति को 5 से 8 घंटे तक सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद मूर्ति को मोल्ड से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनके तैयार है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मूर्ति में गणेश जी के हाथों को जोड़ा जाता है। दोस्तों, गणेश जी के हाथों को अलग से पर वही प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके बाद मूर्ति की फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद अब बारी आती है इसकी सबसे खास और मजेदार प्रोसेस यानी कि पेंटिंग की। बप्पा की मूर्ति को स्प्रे गन द्वारा स्प्रे करके पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद मूर्ति को फाइनल टच हाथों से दिया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि पेंटिंग को कितनी बारीकी और ध्यान से किया जाता है। दोस्तों, फाइनली गणपति बप्पा की सुंदर मूर्ति बनके तैयार है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से लेकर 20 फीट की विभिन्न प्रकार की बप्पा की मूर्ति बनाई जाती है। बप्पा की मूर्ति खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लोकेशन पर संपर्क करें। दोस्तों, बप्पा की मूर्ति बनाने की ये मजेदार वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी प्रोसेस देखना चाहते हैं। ऐसी ही अमेजिंग प्रोसेस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ एक और अमेजिंग मजेदार प्रोसेसिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।